हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इस टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोर्डस्टोन 1200, बट एक रिन्यूड प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने अमेजोन से ख़रीदा है लगभग 2000 रुपीज़ में, और उसके ऊपर मुझे 100 रुपीज़ का कैशबैक मिला है अपना पे बैलेंस में। मेरे अकाउंट में कुछ ऑफर था तो मुझे पड़ा है लगभग 1900 रुपये। और इसका एक ओरिजिनल जो बॉक्स आता है और रिन्यूड प्रोडक्ट ऐसा ही आता है, और ओरिजिनल का अनबॉक्सिंग मैं वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख चेक कर सकते हैं। और तो उसका मुझे पड़ा है लगभग 3000 रुपये ओरिजिनल का जो न्यू प्रोडक्ट है, और ये मुझे इतना कम प्राइस में पड़ा है इसलिए मैंने एक लेके देखा है, देखता हूँ कैसा आया है प्रोडक्ट। तो ये एक ही अवेलेबल था, अभी देख पा रहे हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन आप अमेज़ॉन के साइट पे चेक करें तो इसको आपको मिल सकता है। देखिए अभी अमेज़ॉन पे ओरिजिनल जो बोर्डस्टोन 1200 है वो चल रहा है लगभग 3300 रुपये में, और आपको ऑफ़र में 3000 का मिल जाएगा ओरिजिनल, और बैंक ऑफर लगा के लगभग 2700 रुपये। ये अमेज़ॉन से ही मिलेगा। तो मेरे एक ही अवेलेबल था तब, और भी कलर ब्लू कलर में और रेड कलर में तब अवेलेबल था, लेकिन उसका प्राइस जब चल रहा था लगभग 2500 रुपये, और ये सबसे कम पड़ा है। तो मैं देखता हूँ, ऐसा पैकिंग है और कुछ नहीं है, स्ट्रैप वगैरह देखता हूँ अंदर है क्या नहीं। तो चलिए काटते हैं इसको। या तो इधर से स्ट्रैप मिल गया है मुझे, और काफ़ी नया ही लग रहा है। अभी पूरा पैकेट काटते हैं। ये रहा प्रोडक्ट। इधर से एक केबल है, चार्जिंग का केबल दिया गया है यूएसबी टाइप से, लेकिन ये छोटा है, ओरिजिनल वाला कुछ और ही तरह का था। केबल की क्वालिटी अच्छा है लेकिन। और ये रहा ऑक्स के लिए जैक, जिसका क्वालिटी भी अच्छा ही है लेकिन ओरिजिनल जैसा नहीं, ओरिजिनल का नहीं है। और ये रहा बिल, देख पा रहे हैं इसका प्राइस दिया गया है 2000 रुपये लगभग। और ये रहा प्रोडक्ट। जो एकदम ब्रांड न्यू जैसा लग रहा है। ओके, ये रहा प्रोडक्ट। कोई ऐसा पुराना वाला कुछ फीलिंग्स तो नहीं आ रहा है, ओरिजिनल में है मेरे पास। तो बिल क्वालिटी ठीक ही है एकदम, ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, एकदम ब्लैक तो नहीं है। देखिए ये ब्लैक, एकदम जो ब्लैक है ये थोड़ा ऐश कलर टाइप का है। और ये है ओरिजिनल बोर्डस्टोन जो नया वाला मैंने लिया है 2500 रुपये में। तो इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसका साउंड भी टेस्ट करते हैं। ओके, तो इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, अभी इसका साउंड सुनते हैं।
अभी जो नया वाला प्रोडक्ट है उसको अभी प्ले करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस है साउंड में। तो दोस्तों आपने दोनों का साउंड सुना, तो अभी तो मैंने इनिशियल स्टेज पे मैंने जो सुना इसमें तो कुछ साउंड का कुछ डिफरेंस मुझे नहीं लगा। ये अभी मिल रहा है लगभग 2300 3300 3300 रुपये, 3 से 3500 में इसका साउंड, मतलब इसका प्राइस वेरी करता है। ये आपको मिल जाएगा रिनोट प्रोडक्ट लगभग 2 से 2500 रुपये में, मुझे 2000 में मिला है। अगर आप अमेजोन के साइट पर वॉच करें तो आपको 2000 में मिल सकता है। तो साउंड सिर्फ साउंड अगर देखे, बॉडी अगर मैं बॉडी देखता हूँ तो लगभग ये भी नया जैसा ही लग रहा है, कोई पुराना कुछ ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, एकदम नया वाला नया जैसा फील आ रहा है। और साउंड में भी कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा। हाँ, बैटरी कितना चलता है, कितना चलेगा ये, वो मुझे बाद में मैं टेस्ट करके पता चलेगा। तो साउंड में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर बैटरी भी सेम ही दे तो मेरे हिसाब से 2300 1300 रुपये 1400 1500 रुपये ज़्यादा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिन्यूड प्रोडक्ट लेना ही सही होगा। पहले मैंने स्पिनेक्स का रिन्यूड प्रोडक्ट लिया था और ओरिजिनल भी मेरे पास था, तो मैंने देखा कि जो रिन्यूड प्रोडक्ट है उसका साउंड बहुत लाउडनेस बहुत कम हो, मतलब साउंड एक ही तरह का है, नया वाला ही, मतलब देखने में तो नया नया जैसा ही था लेकिन उसका साउंड है लगभग 30 से 40% कम था। लेकिन इसमें मुझे वो वाला मतलब ऐसा नहीं लगा, साउंड लगभग एक ही तरह का है। और जो प्रोडक्ट जो मतलब जो नया जो फीलिंग्स है वो भी सेम ही आ रहा है। तो और बैटरी का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको बाद में टेस्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल कहते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।